हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा सिवान से ये हमें 25 किलोमीटर दूरी में, 25-27 किलोमीटर दूरी पे है। और ये जो थाने का हिस्ट्री है, मतलब रहस्य है, मैं बताना चाहूँगा कि जंगल है, काफ़ी पुराना प्राचीन जंगल है। और मैं आपसे एक अपील करता हूँ, यहाँ से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, यहाँ के जो कॉन्ट्रेक्टर हैं या किसी के जो पैसा उछलते हैं लोग, कॉन्ट्रेक्ट मतलब गवर्नमेंट है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ का मतलब जंगल है काफ़ी विलुप्त हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है लोग। यहाँ पे जो मतलब गवर्नमेंट है ध्यान नहीं दे रही है। पहले बात तो मैं बताऊँगा कि जो भी मतलब यहाँ जो लोग इसको देखते हैं, जिसके अंडर में है, तो इसे लोग नहीं देख रहे हैं। काफ़ी मतलब यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, इधर लोग वाशरूम करते हैं, कोई यहाँ पर ये नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पैसा तो उसी लेते हैं, गाड़ी का पार्किंग का पैसा लेते हैं लोग, बट यहाँ पे कोई चीज़ का मतलब रूल रेगुलेशन हमको नहीं लगा दिख रहा है। हमको जहाँ तक पता लग रहा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ फिर भी, लेकिन एक अपील कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थावे जो ये मंदिर है, थावे जो प्राचीन मंदिर है, इससे बचाया जाए ताकि आने वाले जनरेशन के लोग भी देख सकें और वो लोग भी इंजॉय कर सकें, इसका मतलब इसके बारे में जान सकें। सो फ्रेंड्स, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ ये मतलब माहौल है, यहाँ का माहौल काफ़ी बिगड़ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये पीछे ये जंगल है, ठीक है ना, जंगल है। और जंगल मतलब मुझे लगता है कि मतलब 1 किलोमीटर दूर में फैला हुआ है, उससे कम थोड़ा हो गया है। और उधर साइड में मंदिर है, इधर थाना है, इधर स्कूल है, और ये पार्किंग लोग जाते हैं, इधर मेन चौक है, मतलब वहाँ से मेन गेट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सिवान गोपालगंज का बहुत ही नामी मतलब स्थान है, लोग थावे बहुत ही मतलब प्रसिद्ध स्थान है, लोग इसे जानते हैं, मतलब आस्था के नाम से बहुत बड़ा ये महत्व है यहाँ पे। तो मैं सभी लोगों से, सभी पब्लिक से, सभी चीज़ों से, मतलब जो लोग ये देख वीडियो देखेंगे, मैं उससे उनसे अपील करूँगा कि प्लीज़ आप लोग इससे धरोहर जो है उसे बचाइए। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए माहौल क्या है। यहाँ पे गंदगी का माहौल ज़्यादा है, मैं रोक टोक लगाया जाए, जो यहाँ पे लोग बाथरूम कर रहे हैं, वाशरूम कर रहे हैं, वो लोग उनको रोका जाए, ये जो गंदगी देख रहे हैं इसको साफ़ सफाई किया जाए और नए पेड़ पौधे लगाए जाएँ। और जहाँ जितना भी थोड़ा सा देख रहे हैं मतलब स्थान है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाए और मतलब गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, क्योंकि आने वाले समय में लोग देखेंगे तभी मतलब ये कहेंगे। और इधर ये है मतलब इधर आजू बाजू में गांव है, पास में गांव है, और आप थोड़ा आइए अंदर, जंगल का थोड़ा नज़ारा देख लीजिए। ये है जंगल, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सिवान गोपालगंज में लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, ठीक है, बट यहाँ का ध्यान कोई दे नहीं रहा है। तो मैं अभी सबसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस धरोहर है, जो जंगल है यहाँ पे, इसको बचाया जाए। और जो प्रशासन है, जो यहाँ गवर्नमेंट है, जो भी मतलब लोग इसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसके स्वच्छता पे, इस पर ध्यान दीजिए ताकि और ये डेवलप हो सके, ताकि लोग बाहर से भी आए, मतलब टूरिस्ट मतलब फॉरेन से आए, जब बाहर से लोग आते हैं, आते भी हैं, तो वो लोग देखें तो कहें कि हाँ, इस बिहार में एक ऐसा स्थान है जो कि बहुत ही फेमस है, अच्छा है। और फेमस तो है, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो थाने माता जी का मंदिर है बहुत ही फेमस है, बिहार में बहुत ही नाम है, प्रसिद्ध, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसका रहस्य है कि जो रसू भगत थे यहाँ पे, एक वो पुजारी थे जो मतलब दुर्गा माता जी का बहुत बड़े भक्त थे, और यहाँ पे जो राजा थे वो नहीं मानते थे, तो उनके कहने पे मतलब कहा जाता है, बुकों में है, वो लोग यहाँ बोलते हैं कि उनके कहने पे जो रसू भगत थे वो मतलब माता जी का, दुर्गा माता जी का आराधना किए और बोले कि आप यहाँ पे आइए हमारे इस दरबार में, तो उन्होंने वो कामाख्या बोलते हैं असम से चल के, और वो यहाँ तक आई, और यहाँ पे आई तो इस साम्राज्य का नाश हो गया। और आज भी साम्राज्य है, आज भी यहाँ के लोग जो इसके पूर्वज हैं लोग अभी भी है, उनका होटल अभी चल रहा है, उनका आस्थान है, ऐसा हथुआ राज जो कि मतलब पास में ही है, मंदिर है हथुआ राज, हाँ, कौन सा मंदिर, गोपाल मंदिर, अच्छा गोपाल मंदिर फेमस है। आप क्या इधर आइए, थोड़ा आप बताइए, थोड़ा इसके बारे में बताइए, उनसे थोड़ा हम जानते हैं कि यहाँ से रूबरू जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा आप बताइए कि यहाँ का जो माहौल क्या है, ये जो गंदगी फैल रहा है, आप लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग आसपास के ही हैं, आप आसपास के ही हैं, तो आप क्या करते हैं और यहाँ पे कैसे आप मतलब, हम गाड़ी चलाते हैं, अपना गाड़ी चलाते हैं आप, तो आप आसपास घर आपका,
आसपास नहीं, मेरा यहाँ घर पड़ेगा आपका मीरगंज। मीरगंज पड़ेगा, अच्छा तो पास में ही है, मीरगंज से दूर? मीरगंज यहाँ से कम से कम 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर है। और हथुआ राज कितना दूर है यहाँ से? हथुआ राज का आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उधर पड़ गया यहाँ से, 3 किलोमीटर पड़ता है। मतलब हथुआ सबसे बड़ा अच्छी मंदिर है, मंदिर है नाम उसका, पीड़ा है गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर है सबसे। अच्छा तो इसके बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे थावे का जो रहस्य कुछ बताइएगा, आपके आप तो नज़दीक हैं, आप बताइए कुछ इसके बारे में। इसमें बहुत कोई अच्छी है, चांस अपना मार लेता है, कोई पैसा ले लेता है किसी से, देख रेखा नहीं करते लोग, नहीं देख रेखा नहीं करता है लोग, नहीं करता है लोग, खाली पैसा लेने के लिए रोड पर रहता है, मतलब कोई सब सफाई नहीं है, कोई मतलब सफाई नहीं है यहाँ पे, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, देखा जाए तो कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं ये रोड खराब है, ये सब रोड कई सालों से बंजर पड़ा हुआ है, इसको कोई देखने वाला है? अभी तो मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि उधर पीछे जो भी है गंदगी बहुत फैला हुआ है, लोग इधर बाथरूम करने आते हैं, तो इसे रोका जाए ताकि साफ सफाई रहे, अच्छे से रहे साफ, इससे तो ये थोड़ा सा माहौल अच्छा रहेगा आने वाले कल में। और इसके क्या है, इससे क्या इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, लोग इधर आना भी चाहते हैं तो नहीं आना चाहते, ठीक है ना, इधर का तो लोग देखिए क्या है कि जब हमारा ये चीज़ है, हमारा चीज़ है, आपका चीज़ है, सब किसी का है, तो लोगों को एकजुट होकर एक चीज़ रह कर और इससे फोकस करना चाहिए। तो मैं आपसे सभी के अपील करूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब पूरा फैलाइए, ताकि इस थावे मंदिर का आपको दुर्गा मंदिर, थावे माता जी का मंदिर, दुर्गा मंदिर है वहीं पे है ये, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए। हर मंदिर पे उसी तरह होता है जैसे पहले होना, लच्छवार जाएंगे तो उसी तरह पूरा आप। अच्छा यहाँ से लच्छवार भी बहुत ही मतलब फेमस जगह, वो भी लच्छवार है, लंगटे इंसान नहाता है वहाँ पे, कोई इज्जत है ना उसे, अथी है कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई अथी नहीं है, तो लोग यहाँ सिस्टम बेकार हो चुका है ना सब कुछ, पानी जो गंदगी के लेटरिन का पानी बहता है उससे पानी से नहाते हैं लोग यहाँ पे। अच्छा नहीं कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं है, पंडित जो जाते हैं पंडित लोग, पंडित का यहाँ क्या वैल्यू, पंडित जाता है लोग वहाँ पे, जो गरीब है उसी से 100-200 रुपया लेता है लोग, जबरदस्ती लेता है लोग, यहाँ ठग ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ठग करते हैं ना। तो देखिए कि यहाँ पे ये आम पब्लिक है, ये अपना रिव्यू दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं कि भाई बहुत सिस्टम ख़राब है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा किसी को क्लेम करना नहीं है, हमारा जो सोच है कि हम लोग सब कहीं ना कहीं सिस्टम बटा हुआ है, काम होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम ये चाहते हैं काम हो थोड़ा सा जल्दी हो और इस पर भी ध्यान दिया जाए, सफाई अभियान शुरू हुए, फूल लगाना चाहिए इधर, फूल जो भी मतलब यहाँ का लोकेशन है थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हो और लोग इसे स्वच्छ करें, अच्छा लगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स थैंक यू, लव यू और